प्रदेश के सभी किसान भाइयों के लिए इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में किसानों के हित को देखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन विधानसभा में घोषणा की है कि अगले खरीफ सीजन यानी इस साल नवम्बर से होने वाले धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रति एकड़ बढ़ी हुई धान खरीदेगी। और इस साल खरीफ सीजन में बता दें कि एक एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदा गया है। जहां सीएम ने कहा कि अब सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान का खरीदेगी। तो वहीं सीएम के भाषण के बाद विधानसभा के बजट सत्र का एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को समापन हो गया। इससे पहले सीएम ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अब इसीलिए सरकार किसानों से 15 की जगह बढ़ी हुई धान का खरीदी करेगी। आइए जानते हैं कि इस बार सरकार एक एकड़ के पीछे कितने क्विंटल धान खरीदने वाली है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल सीजी 36 न्यूज पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को कर्ज मुक्त करने एवं देश में कृषि उपज का सर्वाधिक मूल्य दिए जाने के अच्छे परिणाम राज्य में दिखने लगे हैं। जहां भेंट मुलाकात के दौरान बात आई थी कि जिन क्षेत्रों में धान का उत्पादन प्रति क्विंटल 15 एकड़ से अधिक होता है वहां 20 क्विंटल धान खरीदना ही चाहिए। लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही आने वाले खरीफ सीजन में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया है और इस निर्णय से किसानों को भरपूर लाभ भी होगा और ज्यादा से ज्यादा किसान खेती के लिए प्रेरित होंगे। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो गरीब का चावल भी खा गए। तो फाइनली अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान का खरीदी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सरकार के इस फैसले पर आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।